मामा भी आया है, मामी को भी साथ लेकर आया है। सीएम शिवराज ने मंच से अब ये कहा तो ताली बजने लगी। मामी का नाम जब लिया लोग ताली बजाने लगे। कहां पर बताऊं आपको, झाबुआ के थानला पहुंचे थे भगोरिया मेला में भाग लेने के लिए शिवराज सिंह चौहान। मंच पर अक्सर मामा का अंदाज दिखता है, लेकिन इस बार तो मामी का नाम लिया, आदिवासियों के बीच में कहा कि मामी को भी लाया हूं। सुनिए पहले। मामा का भगोरिया का लाल कुछ मन दो साल से ढंग से भगोरिया नहीं बना पाए थे कोरोना के कारण, लेकिन इस बार खूब भगोरिया बनाओ, होली मनाओ, गैर निकालो, अब कोरोना क्या तो मनाने आपके भी चाहिए। अरे मामा भी आया और मामी को भी लाया। मेरे बहनों और भाइयों, सुना आपने, आप शिवराज कह रहे हैं कि मामी को भी लाया। दरअसल इसके मायने 2023 में हो जाते हैं। ताली तो बजी, लेकिन ताली के साथ ताल जो जुड़ी है वो 2023 के चुनाव की जुड़ी हुई है, क्योंकि इस इलाके में जब पहुंचे शिवराज सिंह चौहान तो कई तस्वीरें नजर आई जहां वो आदिवासी वेशभूषा में पारंपरिक नृत्य करते भी नजर आए, रोड शो करते भी नजर आए थानला में सीएम शिवराज सिंह चौहान। इसको ऐसे मानिए कि 2023 की ये मजबूत नींव आदिवासी बहुल इलाकों से रख रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि 2018 में आदिवासी बहुल जो 47 सीटें थी उनमें से 31 सीटें बीजेपी हार गई थी। साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश की जो सीटें थी 20, उसमें 17 सीटें बीजेपी हारी थी, और यहां कांग्रेस और जैस ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। यही वजह है कि बीजेपी जो है इस इलाके को समझ रही है, सीएम शिवराज उस रंग में नजर आ रहे हैं। और कहा जाता है कि आदिवासियों के बीच में अगर कोई सबसे ज्यादा चीज अपील करती है तो वो अपनत्व के साथ जुड़ना, जो सीएम शिवराज सिंह के अंदर एक कला है अपनत्व से, यानी मास के तौर पर, मास लीडर के तौर पर जनता के बीच कनेक्टिविटी रखना, तो वो अंदाज यहां भी नजर आया, क्योंकि कांग्रेस भी इस इलाके में मजबूत अपने आप को करना चाहती है। और बीजेपी चूंकि उत्साहित इसलिए है कि बीते वर्ष जो उपचुनाव हुए थे प्रदेश में उनमें जोबट में बीजेपी को कामयाबी मिली थी उम्मीद से ज्यादा, जहां पर कांग्रेस का गढ़ था। अब यही वजह है कि सीएम खुद इस इलाके पर फोकस कर रहे हैं। संघ की रणनीति भी यही है कि जो आदिवासी बहुल सीटें हैं उस पर कहीं भी बीजेपी का वर्चस्व कम ना हो, बीजेपी का दबदबा बरकरार रहे। पिछली बार जो हार लेनी पड़ी थी, झेलनी पड़ी थी, उस हार का खामियाजा इस बार न भुगतना पड़े। तो यही वजह है कि सीएम इस इलाके पर पूरा फोकस कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। इस बार तो खुद उनकी पत्नी साधना सिंह भी गई, और मन से मैंने जो आपसे शुरुआत में कहा कनेक्टिविटी के लिए, उन्होंने कहा कि मामी को भी साथ लाया हूं। मायने इसलिए बढ़ जाते हैं कि आदिवासियों के बीच पारिवारिक तौर पर जुड़कर मास लीडर के तौर पर कनेक्टिविटी को सीएम शिवराज संदेश के तौर पर बताना चाहते थे, और उसमें वो कामयाब भी रहे। नजर 2023 पर भी है, क्योंकि मैंने जैसा आपसे कहा कि 2003 से पहले जब बीजेपी ने हिंदुत्व का एजेंडा यहां पर उठाया था इलाके में, तब जीती थी। अब उसके बाद 2018 में हार झेलना पड़ी, लेकिन एक बार फिर सीएम शिवराज ने इस इलाके पर फोकस करके बड़ा दांव चला है। आप देखते रहे एमपी तक, झाबुआ से आप तक पहुंचाई हमारे संवाददाता चंद्रभान ने।